नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। जानते हैं अलीगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। अलीगढ़ के थाना कुआरसी इलाके के जमालपुर में रेलवे ट्रैक के निकट गौवंश के अवशेष पड़े मिले हैं। घटना की सूचना पर भारी मात्रा में हिंदूवादी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस बल के साथ थाना अध्यक्ष कुआरसी और थाना अध्यक्ष सिविल लाइन मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामला शांत कराया। इस दौरान मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं। घटना के बाद हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम कुमार आर्य, विश्व हिंदू परिषद। यहाँ क्या घटना हुई थी भाई साहब? अभी ये जो महेशपुर से जाने वाला रास्ता है जमालपुर, यहाँ एक गाय कटने की घटना घटित हुई है। थाना कुआरसी के अंतर्गत ये घटना है। एसपी सिटी और एसएसपी को इस संबंध में बताया गया है, कार्रवाई हुई है। ये जांच की जा रही है कि यहाँ जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उसके माध्यम से भी मदद ली जा रही है, पता लगाया जाएगा ये घटना किससे किसके द्वारा घटित हुई है। और हम सब लोग इसी प्रयास में हैं। अभी इसका पीएम करा दिया गया है, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है और इसकी सघन जाँच करके हम इसका आगे की कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती समारोह कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ हुई। सुबह अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम से एक रैली निकाली गई, जो कुआरसी, चुंगी, किशनपुर, तिराहा, गांधीआई, दुबे कपड़ाव, हाथरस अड्डा होते हुए सासनी गेट पर स्थित अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थल पर सम्पन्न हुई, जिसके बाद सभी समाज के लोगों ने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही रक्तदान शिविर में 40 लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कृष्णा गर्ल्स हाई स्कूल के बच्चों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मंच का सफल संचालन नवीन धनगर ने किया। सूरजभान बघेल, अध्यक्ष देवी अहिल्याबाई होलकर चौराहा अलीगढ़, सोहन सिंह पाल समेत सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। आज 31 मई 2024 को मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के 299वें जन्म महोत्सव को हम जनपद अलीगढ़ में बहुत भव्य तरीके से मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को, आप सभी को मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के जन्म महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। हमारा कार्यक्रम ये था, देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से हम लोगों ने एक बाइक रैली निकालकर अहिल्याबाई होलकर चौक सासनी गेट पर मातेश्वरी अहिल्याबाई के माल्यार्पण किया। उसके बाद अब हम यहाँ डीएस कॉलेज सभागार में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं और मातेश्वरी के आज हम ये प्रेरणा लेते हैं कि मातेश्वरी के पदचिन्हों पर चलकर हमारा समाज एक आगे जागृति करे और सब पूरा देश खुशहाल रहे, ये सबको शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कर का 299वीं जयंती का जन्मोत्सव मनाया गया है, इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर एक साधारण परिवार में जन्मी असाधारण शासिका, न्यायप्रिय, कर्तव्य शासिका थी। उन्होंने देश में, देश के चार धाम, सात पुरी और 12 ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार कराया, मतलब 12,476 कुएं, घाट और जो है राजमार्गों का निर्माण कराया। वो उन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं, उनकी ख्याति विदेशों तक थी, इसलिए उन्हें लोक माता के नाम से जाना जाता है। मैं एक समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अपना पुराना इतिहास प्राप्त करने के लिए नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। तो अगर हम नारी शिक्षा पर ध्यान देंगे तो ये उनसे प्रेरणा लेकर के नारी शिक्षा पर ध्यान दें और लड़कियों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, किसी तरह कार्यक्रम किए गए आज देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें कि देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से एक वाहन और रैली का जुलूस देवी अहिल्याबाई होलकर चौराहा सासनी गेट तक गया, जिसमें माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण के बाद सिर्फ यहाँ डीएस कॉलेज ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना देहली गेट क्षेत्र से मामला प्रकाश में आया है। यहाँ पीड़िता बबली पत्नी श्री कृष्ण निवासी इंदिरा नगर ने आरोप लगाते हुए कहा कि विगत दिनों गांजा तस्कर जेठ ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर गर्भवती महिला के साथ मारपीट की थी। पति बचाने आया तो उसको भी नहीं बख्शा। घटना की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की। वो आरोपी खुलेआम पीड़िता और उसके पति को धमका रहा है कि मुकदमा वापस नहीं लिया तो अंजाम बुरा होगा। पीड़िता 8 महीने की गर्भवती है, गर्भ में पल रहे शिशु परिवार के साथ कोई संगीन वारदात ना हो जाए डर सता रहा है। उक्त आरोपी क्षेत्र में गांजे की तस्करी और अवैध कार्य करता है, पुलिस से साठगांठ कर रखी है। पीड़ित महिला पति के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई।
क्या नाम है आपका? और भी कहाँ रहती हैं? इंदिरा नगर लाल मंदिर। थाना कौन सा? ये बताइए क्या घटना हुई, क्या शिकायत लेके आई? शिकायत लेके गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। कौन है तुम्हारा जेठ? हाँ जेठ जी। क्या हुआ था? वो वीडियो वीडियो बना लेते हैं, मेरे खाना पीने बनाने के लिए। हाँ। मना करते हैं तो मार करते मारपीट करते हैं। क्या क्या करते हैं? गांजा बेचते हैं। क्या तो मुकदमा दर्ज कराया है? कराया है, एसएसपी के पास आया, उन्होंने बोला कार्रवाई हो जाएगी। पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है? नहीं। तो आज कहाँ आई थी? आज एसएसपी के पास। साथ से मुलाकात हुई? जी। कार्रवाई क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला है कि आप जाइए और आपकी कार्रवाई सुनवाई हो जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के ग्राम जरतौली स्थित बाबा ईट उद्योग पर मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को बैक करते वक्त भट्टा पर काम करने गए 15 वर्षीय किशोर मजदूर को कुचल दिया गया। यहां 15 वर्षीय मजदूर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 15 वर्षीय जानू उर्फ भोला बाबा ईट उद्योग पर ईट थापने का काम करता था, चारपाई पर आराम कर रहा था और भट्टा मुनीम मनोज मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को बैक करने लगा। ट्रैक्टर ट्रॉली बैक करते वक्त चारपाई पर सो रहा जानू मुनीम को दिखाई नहीं दिया और मिट्टी से भरी ट्रॉली जानू के ऊपर से निकल गई, जिसमें उसको बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी पर कस्बा जट्टारी पुलिस और टप्पल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। क्या नाम है आपका? नीमा नाम है। तेज बोलिए। नीमा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? नीमा। कितने दिन से काम कर रहे हैं भट्टे पे? मुझे तो हो गए 5-6 महीने। अच्छा, ये बच्चा जो हुआ है एक्सीडेंट, कैसे हादसा हुआ इसके साथ? जे मुनीम जी लेके आए ट्रैक्टर को भरा हुआ मिट्टी से, पहले तो सीधा ले गए, सीधा ले जाके सामने मना कर दिया कि जाना मिट्टी ले रहे, अभी तो बिन्ने ऊपर चढ़ा के फिर बैग मारा हुआ है, बैग में नहीं देख पाया बिन्ने, पीछे खाट बिछरी है, लाला सुरो वहाँ पे जगह है ना, किसी ने किसी को ना जगह जानने आवाज दी, बैग में चढ़ा दो पीछे भी ट्रैक्टर। कितने साल का बच्चा है ये? जे है 18-19 साल का बच्चा है। और बच्चे और भी हैं क्या यहाँ पर? बड़े बड़े और। ठीक है ठीक। क्या चाहते हैं आप? हम का चाहता जी भाई करेंगे, उनके भाई करेंगे जो चाहेंगे सो, घर वाले चाहेंगे। ठीक। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अखनूर जनपद में खाई से गिरकर बस की दुर्घटनाग्रस्त पर 22 लोगों की मौत हो गई। 12 लोग अलीगढ़ जनपद के नया गांव के हैं। करीब अलीगढ़ जनपद के 35 यात्री घायल हैं, जिनका जम्मू मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। अलीगढ़ और हाथरस जनपद से पुलिस प्रशासन की संयुक्त जम्मू भेजी गई है, जो घायलों को प्राथमिक उपचार और मृतकों को शवों को लेकर आएगी। जिलाधिकारी को अखनूर के जिलाधिकारी जम्मू मंडलायुक्त से संपर्क जारी है। जिले स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर जारी कर मृतक और घायलों के परिजनों और संबंधितों को दी जा रही है। जिलाधिकारी वैशाख जी अय्यर ने कहा कि अखनूर के जिलाधिकारी ने इस दुखद सड़क हादसे में 22 मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। पुलिस प्रशासनिक टीम जम्मू के लिए गई है, टीम प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को लाने की व्यवस्था कर रही है। मेरा नाम विपन है साहब, मैं जी गांव को नायक रह वाला हूं, जिला अलीगढ़ यूपी। सर हमारे गांव में तो 28 तारीख को लगभग 47 आदमी जाते हुए गए वैष्णो देवी, और कल दोपहर मालूम पड़ी 1 बजे कि बस एक्सीडेंट है कि खाई में गिर गई है, जहां में 11 आदमी की मौत हुई है सर। और 11 आदमी की मौत में सब अपने अपने घर के मुखिया है साहब। अब जैसे काऊ के माँ बाप ख़त्म है गए, काऊ की माँ ख़त्म है गई, काऊ के पिताजी ख़त्म है गए। अब बड़े दुख की बात है, हमारे जैसे चाचा हैं फाजू, अब वो बेचारे किसान आदमी है, गरीब, दो बिया खेत है, उनको छोटे से दो दो बालक छोड़ गए, एक 5 साल को है और एक लड़की 3 साल की। अब उनके मतलब रोटी करवैया ना है, मतलब कोई कमबैया ना है, इंजन फेल है, वो गाड़ी कहाँ करेगी, सबरे चले गए। अब बाकी बात सरबजीत सिंह है, उनके दो बच्चा हैं, दोनों अनमेरिड है, माँ बाप दोनों ख़त्म है गए उनके। अब जैसे अभी नाठिया गए जी लक्ष्मण, इनके पति पत्नी दोनों बेटा सब ख़त्म है गए साहब इनकी, मतलब अब जैसे एक संजय है, संजय के पिताजी ख़त्म है, संजय को लड़का ख़त्म है, वो तो जिंदो मरे को, तो बड़ा बुरा हाल है सर। जाके लिए कौन जिम्मेदार है, जब 3 जिले के आदमी गए, 57 बस सीट की कैपेसिटी, 57 बस की, हम 91 आदमी भर के ले गए साहब ड्राइवर। अब जब कौन की गलती, 5 राज्य पास करके बस गई, 5 राज्य में काउंट रोक के देखी हूँ ना, जब कितने आदमी जा रहे हैं, बस पे परमिट हतो है कि ना हो, तो बस की कंडीशन कैसी है, बस माँ पहाड़ पर चढ़वेला खते है कि ना हाथ, और जा जगह पर बस पलटी गया माठिया, तो खुद सर रोडवेज में 30 सीटर बस चलते हैं।
जाके लिए सरकार कछु सोचे सब सरकार सरकार की गलती है साहब, जब मर्डर है जो तो सीधा सीधा। गांव का माहौल कैसा है? गांव का माहौल तो साहब तो हमारे तो कुछ दिमाग में कहाँ पता माहौल का, दिमाग में कुछ आई ना रही। गांव का माहौल तो बेचारे न काऊ के घर चूल्हो जल रो, सब अपे पे कौन है, न में ऐसी कोई कहूँ पर है कोई कहूँ पर है, इंतजार कर रहे हैं बस उनकी बॉडी मिल जावे। अभी जो जानकारी मिल रही है 12 लोग लगभग हैं जो इस हादसे में नहीं बच पाए हैं, और करीब 35 लोग हैं जो घायल हैं और कुछ सही अवस्था में हैं। तो अभी यहाँ से प्रशासन की टीम गई हुई है जो वहाँ से उन लोग को लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और अभी मृतक के परिवार से भी मिले हैं। तो स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि एक ही परिवार के पति पत्नी दोनों इस हादसे में के शिकार हो गए हैं। मैम घायलों की संख्या की बात करें तो लगभग 35 लोग की सूचना है जो अस्पताल में हैं जो घायल हैं, हालांकि सभी। मैम कितने लोगों की मौत हो चुकी है? अभी जो 12 लोगों की जानकारी प्राप्त हो रही है जिसमें से एक का थोड़ा सा नाम अभी संदिग्ध है, क्योंकि टीम अभी 12 बजे लगभग पहुंची है वहां पे, तो एक एक का पहचान की जा रही है। टोटल मैम कितने लोग निकले थे यात्रा के लिए इस गांव से? जो अभी टोटल 47 अराउंड पीपल यहां से गए थे, 47 लोगों की। ये सभी एक ही गांव के थे? नया गांव ये नया, और ये नया के साथ मई में है और धनीपुर के कुछ लोग। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।